गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर धरती पर पलकर मैंने जीवन को मृत्यु से खींचा है, पत्थर पे लिखी इबारत हूँ मैं, शीशा क्या मुझे तोड़ पाएगा, मिटने वाला मैं नाम नहीं, संघर्ष क्या मुझे रोक पाएगा। आइए इसी मोटिवेशन लाइनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा किस्सा केस का। आज का जो हमारा आधार है वो है डिस्कशन, जो पॉइंट है वो है आपका सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट का, जहाँ पर हम कंडक्ट को डिस्कशन करेंगे। कंडक्ट क्या है और ये साक्ष्य अधिनियम में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, उसी चीज को इम्पोर्टेंस देने के लिए आज का जो हमारा जो केस है वो है क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। बहुत लैंडमार्क डिसीजन है आपका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक लैंडमार्क डिसीजन, जहाँ पर हम कंडक्ट को डिफाइन करेंगे कि किस एक्ट को कंडक्ट में इंक्लूड किया जा सकता है और किस एक्ट को कंडक्ट से एक्सक्लूड किया जा सकता है। कंडक्ट होता क्या है, कोई भी क्राइम करने से पहले जो किसी का आचरण होता है वो एक कंडक्ट है, और कोई भी क्राइम करने के बाद कोई आचरण है किसी भी एक्यूज्ड का या विक्टिम का वो उसका कंडक्ट है। कोई किसी ने पॉइजन खरीदा है वो उसका प्रीवियस कंडक्ट है, उसने मर्डर किया और उसके बाद लाश को डिस्पोज किया वो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। तो कंडक्ट की इस डेफिनेशन को हम कॉरोबोरेट करने के लिए एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन ले रहे हैं। वो लैंडमार्क डिसीजन क्या कहता है, देखिए आपका क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, इसकी कहानी सुनिए, इसके फैक्ट सुनिए। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम है दुलारी, ये एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसका नाम था दुलारी। और अब्दुल्ला जो होता है सुबह के लगभग 5-6 बजे दुलारी का गला काट देता है और उसके मर्डर करने की कोशिश करता है। उसको बहुत ग्रेव इंजरी होती है, वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, तब उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। इसी दौरान जब वो जिसे कहते हैं कि लास्ट ब्रीथ पे चल रही थी, एट द वर्ज ऑफ डेथ थी, उसी समय क्या होता है उसका स्टेटमेंट जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कि जो उसका स्टेटमेंट है वो कंडक्ट की डेफिनेशन में एज ए रेलेवेंट फैक्ट होगा या नहीं, सेक्शन 8 में आएगा या नहीं, ये इसका डिस्कशन पॉइंट है, यही इसका जिस्ट है। जब इसको पूछा जाता है समय के बारे में, एक्यूज्ड के बारे में या अदर थिंग्स के बारे में कि क्या समय था, कैसा समय था, सांझ का समय था, वो बाय साइन लैंग्वेज मना करती है कि ऐसा नहीं था। उसे पूछा जाता है कि सुबह का समय था, वो बाय जेस्चर बाय पोस्चर अपने आभाव से ये इंडिकेट करती है कि यहाँ सुबह का समय था। बोले तुझे मारने कौन आया था, रहीम करीम या अब्दुल्ला। जैसे ही अब्दुल्ला का नाम आता है वो साइन लैंग्वेज और जेस्चर और पोस्चर के जरिए समझाती है कि यहाँ मुझे अब्दुल्ला मारने आया था। ये कहानी होती है हॉस्पिटल में, उसके बाद लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से टर्निंग लेती हुई कहानी जाती है कोर्ट में। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या इस विक्टिम ने जो इस विक्टिम ने उस समय अपना स्टेटमेंट दिया साइन लैंग्वेज के जरिए या जेस्चर और पोस्चर के जरिए, क्या इसे सेक्शन 8 में जो है इसका जो है रेलेवेंट फैक्ट के जरिए इसको लिया जा सकता है या नहीं, लिया जा सकता या नहीं। डिफेंस कहता है इसको सेक्शन 8 में नहीं लिया जा सकता क्योंकि यहाँ पर ये कंडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है। प्रोसिक्यूशन कहता है इसे सेक्शन 8 में जो है एज ए रेलेवेंट फैक्ट लिया जा सकता है क्योंकि ये जो है एक तरीके का विक्टिम का कंडक्ट था, तो इसे सेक्शन 8 में लिया जा सकता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर कि यहाँ पर सेक्शन 8 में इस लड़की का जो भी आखिरी प्रेजेंटेशन था, स्टेटमेंट था, जेस्चर पोस्चर या साइन लैंग्वेज के द्वारा, क्या इसे सेक्शन 8 में कवर किया जा सकता है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों और हाँ तो क्यों। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर एक बहुत लीगल पॉइंट निकल कर आया और वो लीगल पॉइंट ये कहता है कि इस लड़की का जो भी स्टेटमेंट था वो सेक्शन 8 में कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस लड़की का जो भी उस समय प्रेजेंटेशन था वो इम्प्रोम्प्टू नहीं था, वो एक्सटेम्पोर नहीं था, वो किसी अपराध के जस्ट बाद की कोई घटना नहीं थी। यहाँ पर उसे क्वेश्चन देकर प्रॉम्प्ट किया जा रहा था, यहाँ पर उसे क्वेश्चन पूछकर प्रॉम्प्ट किया जा रहा था कि उसका आंसर क्या देती है या क्या उसका जो है प्रेजेंटेशन रहता है, मगर यहाँ पर एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण, ऑटोमेटिक नहीं होने के कारण, स्पोन्टेनियस नहीं होने के कारण यहाँ पर उसके एक्ट को जो है यहाँ पर सेक्शन 8 में कवर नहीं किया गया। तो
तो फिर कहाँ जाएगा, उसका जो प्रेजेंटेशन था उसे क्या माना जाएगा, उसका साक्ष्य कहाँ दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिर एक आपका इम्पोर्टेंट नॉलेज आपके लिए आता है, उसका जो भी स्टेटमेंट था जस्ट एक टेस्टिमनी था, उसका जो भी स्टेटमेंट था जस्ट एक टेस्टिमनी था, उसे डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में सेक्शन 32(1) में कवर किया गया। उसका जो भी स्टेटमेंट था सेक्शन 32(1) में कवर किया गया, या उसे सेक्शन 157 में एज ए करोबरेशन के लिए यूज किया जा सकता था, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है किसी भी प्रकार सेक्शन में 8 में आने के लिए तैयार नहीं था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ दिस केस दैट द साइन लैंग्वेज दैट प्रेजेंटेशन बाय द साइन लैंग्वेज हैड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेक्शन 8 ड्यू टू बिकॉज दैट स्टेटमेंट दैट प्रेजेंटेशन हैड बीन प्रॉम्प्टेड नॉट स्पॉन्टेनियस नॉट एक्सटेम्पोर नॉट इम्प्रॉम्प्टू। सो ये आपके भारतीय एविडेंस का जो सेक्शन 8 है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, यहाँ पर कंडक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कि किस चीज को कंडक्ट के बतौर, चाहे वो आपका प्रीवियस हो चाहे सब्सिक्वेंट हो, किस चीज को कंडक्ट के रूप में यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर इस जो ये दुलारी थी जो विक्टिम थी इसके प्रेजेंटेशन को कंडक्ट नहीं मानकर टेस्टिमनी माना गया, उसे 32(1) के अंतर्गत कवर किया गया, डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कवर किया गया। उसी तरह आपका ये जो आपका सेक्शन 8 है वो स्टेटमेंट को कहती है कि स्टेटमेंट मेयरली स्टेटमेंट कभी भी आपका जिसे कहते हैं कि रेलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं। वो कब रेलेवेंट फैक्ट होते हैं, जब स्टेटमेंट के साथ कोई एक्शन इंड्यूस होता है तो आपके रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं, या कोई भी आपका कोई भी स्टेटमेंट कोई भी आपका एक्शन इंड्यूस करता है, दो पोजीशन पैदा होती है, या तो उसमें कोई एक्शन ऑलरेडी इंक्लूड होता है या वो स्टेटमेंट आपका कोई भी एक तरीके का जिसे कहते हैं कि एक्शन इंड्यूस करता है, तो यहाँ पर वो चीज सेक्शन 8 में एज ए कंडक्ट कंसिडर की जाएगी, एज ए कंडक्ट मानी जाएगी। तो आज में हमने जो किस्सा केस का डिस्कस किया उसका नाम था क्वीन एम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला। ये सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कंडक्ट से कंडक्टेड है कि यहाँ पर जो है कंडक्ट को किस तरह डिफाइन किया, किस तरह एलिब्रेट किया और किस तरह कंडक्ट के स्कोप में इसको इंक्लूड करेंगे, किस तरह इसको कंडक्ट के रूप में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर कंडक्ट नहीं मानकर डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, और डाइंग डिक्लेरेशन मानकर उस टेस्टिमनी को उसके अकॉर्डिंग उसे रेलेवेंट फैक्ट माना गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन। यदि आपको हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा आप अपने कमेंट के जरिए हमें प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।